कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खत्ते में ऑपरेट कर रही है। खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकों ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय की है। अब एक तरफ तो दुनिया मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे की बात कर रही है, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि भारत में उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। उन्होंने एक पत्थर को तराश के वासुदेव कुटुम्बकम का वहाँ पे नाम लिखा और लोगों को बताया कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये चीज लोगों को बहुत अच्छी लगती है। Another heroic mission at sea by personnel of the Indian Navy, this time the Indian Navy warship and a long-range maritime patrol aircraft provided aid to a Bangladeshi cargo vessel. चीमा साहब, लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है, चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड। भारत में आम इंतखाबात से पहले ही मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़े कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर से पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोजम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी उसको, इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लाई किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है, एंड इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर continuously इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, ठीक है, और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका एंड इट रीचेस टिल ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टरडम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं,
ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप, यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है। खबर ये है कि बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकों ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया, ये खबर है। लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है, उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, इंडिया नेवी जिस तरीके से प्रोफेशनल वे में काम करती नजर आ रही है और इंसानों को बचाती नजर आ रही है, पाकिस्तान की पब्लिक इसके ऊपर क्या शुक्रिया अदा करना चाहेगी या इसके ऊपर जो भी सोच रखती है पब्लिक से जाने। इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की शिप जो सी है वो जो यूएई जा रही थी कोयला लेके, उसे सोमालिया के डाकों से बचा लिया कुछ दिन पहले। भाईजान बात यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं पोलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी और दीगर अदर क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको अगर आप सारी चीजें मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश हम लोगों से बहुत आगे है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं और ये ठीक है सोचते हैं, पाकिस्तान से हमें भी मोहब्बत है, लेकिन मेन मैं जो सवाल करना चाह रहा हूँ, इंडिया किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बेहतर रखता है? बेसिकली नेबर है और इंडिया के उनके साथ अपने जाती मुफादात है, सारी बेसिकली मुफादात की गेम है, मुफादात को लेकर सारे मामला चल रहे हैं। नहीं तो ये गलत बात है आपके ख्याल से, लेट्स ऑल इंडिया अगर अपना फायदा सोचता है, बांग्लादेश अपना फायदा सोचता है, अफगानिस्तान अपना, ये गलत बात है। ये तो जो हमारे पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, ये चीजें तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना, जो आपकी खारजा पॉलिसी डिसाइड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए जिसकी बेस के ऊपर बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ तल्लुकात को बेहतर किया जाए, बेहतर किया जाए। लेकिन आज के दौर में वो लोग हम अगर कर भी ले, हाँ नो डाउट या फॉरेन पॉलिसी बेहतर करेंगे क्रॉस बॉर्डर का टेररिज्म के हवाले से, जो उनका शिकवा रहता है या उनका स्टांस है, वो जब इन चीजों के ऊपर हम वर्क करेंगे तो रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन हाँ बिल्कुल डेफिनेटली होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस पे वर्किंग की जानी चाहिए। स्टार्ट साहब एक बात बताए, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी है, वो भी खड़े जी जी, उन्होंने एक ट्वीट की है, उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये इसमें इमरान खान नहीं है। ताट साहब ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें? आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें, भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन आईएमएफ के सामने जाते हैं, पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो, एक चीज मतलब यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं उनको भी, जी उनको भी कहते हैं कि इनको जीएसपी प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको ताड़ साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाकर चीज़ें पीटीआई वाले बताते रहे हैं। ताड़ साहब ये इससे क्या मिलेगा, ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीरजादा की सुनेगा ये, यहाँ के क्या आप समझते हैं? चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब हैं, सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूँगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में इन्होंने एंटी पाक, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहने नहीं चाहिए था, डाउ मेडिसिन का करने के बाद एमबीबीएस करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो वो अब आ चुके हैं भारत,